ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा सवाल हेल्थ मिनिस्टर साहब से है। सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चार हॉस्पिटल है सर। नीलोफर हॉस्पिटल जो बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए है, एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल है सर जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है जो आँख के लिए। इसके साथ साथ साहब मेरे पास एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है सर। जब से मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना हूँ सर, ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है सर। पहले आउट पेशेंट के अंदर सर 80 से 100 आते थे सर, आज मोर देन 1500 आउट पेशेंट आ रहे हैं सर। डिलीवरीज भी 400 प्लस हो रहे हैं, दूसरे चीज़ें भी अच्छे हो रहे हैं सर। मैं लास्ट टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी साहब थे, जब से मैं कंटिन्यूअस प्रपोजल दे रहा हूँ सर, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर ICU यूनिट डालना चाहिए सर, और डायलिसिस सेंटर आज बेइंतहा जरूरी है सर। आज अगर देखते हैं तो काफ़ी लोगों को किडनी प्रॉब्लम चल रहा है सर, इसके लिए एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर डायलिसिस सेंटर के लिए कंटिन्यूअस हमने रिप्रेजेंटेशन दे रहे सर, उसको पूरा करना चाहिए सर। एक और सर, नीलोफर हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है सर, उसके अंदर हार्ट के लिए कोई सहूलत नहीं है सर, तमाम चीजों के ट्रीटमेंट होता सर, बच्चों को बस हार्ट के अंदर होल होता सर, वैसे चीज के लिए इलाज के लिए उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता सर। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है सर, आप नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट के लिए पूरा करिए, कार्डियोलॉजी यूनिट डालिए सर, यही मेरा सवाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर सर, जनाब जाफर हुसैन साहब ने जो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के बारे में और वहाँ ICU फैसिलिटी और उसके साथ ही साथ आपने जो नीलोफर में भी कार्डियोलॉजी सेंटर के वास्ते और डायलिसिस सेंटर के वास्ते भी आपने जो बोला, आप लिख के भी दे दीजिए, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को दे दूंगा, पर हमने नोट भी कर लिया, बट आप लिख के दिए तो और भी आसानी हो जाती।